नमस्कार, वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। आज ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है और हमारे जो कॉमन लोगों के मन में बात आती है वही बात हम इस पे करते हैं। दो चार दिन हो गए, एक अग्निपथ नाम की सरकार ने योजना डिक्लेयर कर दी जिसकी हम राह देखते थे, क्योंकि ये तो कोई नई बात नहीं है ना। कितने दिन से चर्चा चल रही है कि जो हमारी कमी है सेना की और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, कारगिल की हार हो या और एक लड़ाइयाँ हो, कुछ भी हो, तो हम हमेशा सोचते रहते हैं अच्छे के लिए क्या परिवर्तन होना चाहिए। और कितने दिन से, दो चार साल से हम सुन रहे थे कि ऐसा कुछ नया हम लाने वाले हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवक लोगों को सेना में भर्ती होने का मौका मिले। हमारे सेना में जो यंग जनरेशन है उसकी ज़्यादा ज़रूरत बनती है, क्योंकि लड़ाई के लिए ऐसा बोला जाता है ना कि लड़ाई के लिए जो शौर्य लगता है ना, वो शौर्य किस में होता है? खाली युवकों के हाथ में होता है। तो इसकी हम राह देख रहे थे और उल्टा ही हो गया। अभी जो हम देख रहे हैं सारी जगह से, सारी कितनी जगह ट्रेन चलाई गई, मोर्चे निकाले गए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, लोगों को भड़काने का काम शुरू हो गया और बहुत बुरा लगा, विषण्ण मन हो गया कि हम क्या किधर से किधर आ गए। यही हमारा भारतवर्ष है, किधर ऐसा ही होता है। कुछ सोचने का टाइम देने के बगैर कुछ हो गया शाहीन बाग कर दो, आज कुछ हो गया शेतकरी आंदोलन कर दो, आज कुछ हो गया और कुछ कर दो, कुछ भी हो, कुछ भी सवाल हो, कोई भी कुछ बोले, जो उनको खाली मौका मिलना चाहिए, किसी ने किसी को ईडी ने बुलाया, बस मोर्चा निकालो, बंद करो, जाम करो, देश की हिंसा करो, तो बहुत खराब लगा। और दूसरी बात यह है कि इसका कारण क्या है वही समझ में नहीं आ गया। जो हमेशा की योजना है सैन्य भर्ती की, वो वैसे की वैसे ही रहने वाली है। और कितने लोगों के मन में, मतलब मैं तो, मुझे लगता है गेले 30 साल से कितने सारे स्कूल कॉलेजेस में गई हूँ, हजारों युवकों को मिली हूँ, उनके पेरेंट्स को मिली हूँ, सब लोग तो यही बोलते हैं कि हमको थोड़े दिन के लिए, पर वर्दी का जो रुबाब होता है ना वो अलग ही होता है, तो हमको सेना में जाना चाहते थे, हम नहीं जा पाए। तो मुझे लगता है हर साल 10 लाख इतने सारे लोगों को संधि मिलने वाली है, जिनको पॉसिबल है वो और किसी न किधर तो समावेश उनका हो ही जाएगा, जिनको नहीं हो जाएगा उनका भी कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसे भी तो क्या करने वाले हैं वो। उधर जाने के बाद उनका जो ट्रेनिंग मिलेगा उसकी वैल्यू हम कर नहीं सकते, इतना वैल्यूएबल ट्रेनिंग उनको मिलेगा। फाउंडेशन एक हो जाएगा, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रभक्ति, एक्यूरेसी, हमारा जो वर्ड है वो पालना, एक ना दो, हजारों गुण हमें अपने आप समा जाएंगे। और वो फाउंडेशन को लेके पैसा भी उसके साथ मिलने वाला है, कुछ लोन की सुविधा भी गवर्नमेंट देने वाली है, हम आगे का जो लाइफ है वो हम कर सकते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जो बाहर आएंगे उनका क्या, तो उनको तो पता ही नहीं है कि सैनिक स्कूल हो या NDA हो या प्रिपरेटरी स्कूल हो या IMA हो या और किधर हो, जो उनका टेक्निकल एंट्री होती है, तभी भी ऐसा कभी कभी होता है कि सब लोग तो आगे नहीं जा पाते हैं, किसी किसी को मांगे पीछे आना पड़ता है। सैनिक स्कूल में प्रवेश तो ले लिया फिर भी भर्ती नहीं हो पाए, ऐसे भी होते हैं। तो वो तो कभी हंगामा चिल्ला चिल्ली कभी नहीं हो गई, तो अभी ये करने की क्या ज़रूरत है। और दूसरा मुझे सबसे लगता है, खाली ये पॉलिटिकल इशू ये लोग बना रहे हैं और कुछ नहीं है, और जो कोई है उनका विज्ञान बोल, जो अज्ञान है ना वो अज्ञान बोल रहा है। क्यों? जो सज्ञानी है उसको थोड़ा सा भी भारतीय इतिहास का ज्ञान है, वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा। मतलब मैं तो 5000 साल के इतिहास की बात और 300 ईस्वी सन पहले की बात तो कर ही रही हूँ, फिर भी अभी भी स्वतंत्रता के बाद भी 47 से लेके अब तक जभी हो गया, युद्ध हो गया, तभी हमारे कमियाँ क्या थी, पहली कमी ये थी कि हमारी संख्या कम थी, दूसरी हमारी कमी थी कि हम शस्त्र जो बल है उसमें हम कम पड़े, तीसरा जो भाग है वो ऐसा है कि हमारे में किसी गद्दार कोई निकले, थोड़ी सी फूस दे दी, थोड़ा सा कुछ पैसा दे दिया और जानकारी हासिल कर दी, जिहाद का नारा दे दिया और कुछ हो गया और हम हार गए। हमारे राजा रानी या कोई सेना जो थे, कितने सारे अनगिनत उदाहरण हम दे देंगे, उनको शौर्य की जरा भी कमी नहीं थी, देशभक्ति देश प्रेम जरा भी कमी नहीं था।
महिलाएं जोहार कर गई, केसरिया कितने सारे लोगों ने किया है, उसमें हम कम नहीं थे। हमारे जो टूट फूट है अभी, जो कोई बाहर की ताकतें है या देश में जो ताकत है वो नहीं चाहती है कि अभी का जो गवर्नमेंट थोड़ा सा हिंदुओं के लिए फॉर है वो आगे चले एजेंडा, इसके लिए ये सब विरोध की बात है ऐसे मुझे लगता है। इससे थोड़ा सा मतलब जो टीवी पे समझाया जा रहा है उसमें हमको लगता है इसमें सेना को तो फायदा होने ही वाला है, युवकों को फायदा होने ही वाला है, सेना का डबल फायदा हो जाएगा, संख्या भी उनको उनके पास मिलेगी, थोड़ा सा जो पैसा बचेगा पेंशन पे जो खर्चा होता है उसका इस्तेमाल आधुनिकीकरण के लिए हो सकता है। दूसरी बात है कि अभी देश में अराजक तो बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको जो पीस अंतर्गत जो शांतता और ये होना चाहिए उसमें भी ये यूथ जो है ये काम आ जाएंगे, शायद वो किसी गवर्नमेंट के स्कीम में मिलाए जाएंगे, नहीं भी हो तो उनकी जो प्रवृत्ति है वो काम आ जाएगी, जिसमें देश में सुरक्षितता स्वास्थ्यता ये हो जाएगी। तो ये जो सारा है ना, ये लोगों को ध्यान लेना चाहिए। एक सीधी सी सिंपल सा उदाहरण देती हूँ, 715 में कासिम आ गया, उसके बाद 300 साल आक्रमण नहीं हुए ऐसा बिल्कुल नहीं हो गया। मोहम्मद गजनी आया, उसके पहले बहुत सारे आक्रमण हो गए, अनगिनत आक्रमण हो गए, फिर भी उधर के जो राजा थे, नागभट्ट दोन था, एक था, गुर्जर प्रतिहार था या ललितादित्य था, उधर से लेके ये जो हम बोलते हैं फुलकेशी तक सारे लोग एकत्र आ गए और उन लोगों ने उसका परकीय आक्रांताओं का विरोध किया। बहारिश का युद्ध, सोहेल देव, ये भी उसका बहुत ही सलार मसूद का उसने पराभव किया, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अभी ये जो सब कर रहे हैं ना, ये दोष तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कल ही एक टीवी चैनल दिखा रहा था कि जो शेतकरी आंदोलन चला रहे थे राजेश टिकैत, वो आगे है। समाजवादी पार्टी वो तो कुछ ऐसे ही बातें करती है, ये राजू लालू प्रसाद का है वो भी ऐसे ही कुछ बातें कर रहा है, उनको कुछ सेंस है या नहीं? जब कॉमन जो आदमी है उसको जो सेंस है वो भी सेंस है या नहीं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है ये जो राजकीय हेतु से प्रेरित किया जा रहा है उनको भी पता नहीं है कि हम देश का कितना नुकसान कर रहे हैं। जब भी पता चलेगा तभी बहुत देरी हो जाएगी। इसके लिए किसी भी हालत में मुझे कभी कभी लगता है कि और भी सख्ती से इन लोगों से काम लेना चाहिए। ये बुलडोजर की वगैरह बात करते हैं वो तो बात अलग है, फिर भी ये सारा जो माहौल बिगाड़ने का काम कुछ साल से हो रहा है, कुछ दिन से हो रहा है, ये सब स्टॉप होना चाहिए। खाली सत्ता पावर किसके लिए चाहिए तुमको? खाली गवर्नमेंट को? और ऐसा तो आजकल हम देखते हैं कि प्रदेश में जाकर भी भारत की बदनामी करने वाले कितने सारे लोग हैं, बलात्कारियों का, जिसमें देश है ऐसे बोलने वाले हैं, भारत तो एक राष्ट्र था ही नहीं ऐसे बोलने वाले दिग्गज नेता है वो ऐसे जब भी बातें करते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। सत्ता तो आती है जाती है, जैसे एक गाना है ना फिल्म का बहुत अच्छा है, हम रहे ना रहे देश रहना चाहिए, तो देश रहना चाहिए ये भावना जो है वो कम हो रही है ऐसा मुझे लगता है। तो नहीं, इसका तो कुछ हम लोगों ने, जिनको लगता है कि ये देश के भलाई के लिए है, उनका आवाज़ इन लोगों से ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना एक छोटी रेशा और बड़ी रेशा, छोटी रेशा मतलब बड़ी अपने करने के लिए अपनी रेशा बढ़ानी पड़ती है, दूसरों की रेशा कम करके नहीं होता है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। वॉइस ऑफ मुंबई में मुझे लगता है आप इससे सहमत जरूर हो जाएंगे, क्योंकि ये देश हित की बात है। धन्यवाद और नमस्कार।